तो दोस्तों आज की इस वीडियो बताने वाले डीडी फ्रीडस पर आप पोगो चैनल को किस प्रकार चला सकते हो। फ्रेंड मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बना दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आता भाई मेरे में चल नहीं रहा है, सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं फेक वीडियो है। तो दोस्तों फेक वीडियो नहीं है, 100% चल रहा है। कुछ लोग आप कमेंट देखेंगे तो उन लोग में ये चल रहा है, बहुत बार ट्राई करने पर चल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ट्रिक से आप 100% चला सकते हैं पोगो चैनल, बिल्कुल ऑटो स्कैन करते ही आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री टू एयर अपने डीडी फ्रीडस में। साथ ही साथ एमपेक 2 सेट बॉक्स में भी आप इसे चला सकते हैं और एमपेक 4 दोनों में आप चला सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को काफी देखिए, काफी अच्छा ट्रिक है, हमारे चैनल की तरफ से सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। सबसे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जी फिर से जितनी भी न्यूज़ अपडेट है इसी प्रकार से पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार पोगो चैनल यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पोगो चैनल हमारे डीडी फ्रीडस में चल रहा है। तो दोस्तों कल मेरा भी नहीं चल रहा था, लेकिन आज सुबह जब मैंने ट्राई किया तो ये चल रहा है। तो कौन सी ट्रिक मैंने अपनाया वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली वो कैंसिल करके यहाँ पर मेन्यू बटन में जाना है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेटअप वाले ऑप्शन में चले जाना है। प्रोग्राम सेटअप वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो स्कैन का ऑप्शन आपको दिखे। जैसे ही ऑटो स्कैन करेंगे तो देखिए हमारा स्पेस यहाँ पर फुल है, तो हमारा ऑटो स्कैन यहाँ नहीं होगा दोबारा से। आपका भी अगर स्पेस फुल बता रहा है तो वो क्या करना है, सिंपली चले जाना है अपने रेडियो चैनल लिस्ट में। रेडियो चैनल लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी रेडियो चैनल है उसे आपको डिलीट कर देना है, सिंपली ऑल उस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर दीजिए और आपका सारा रेडियो चैनल डिलीट हो जाएगा और आपके डीडी फ्रीडस में स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपली से आपको चले आना फिर से मेन्यू बटन में और यहाँ पर टीवी लिस्ट आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली चले आना है मेन्यू बटन में। तो दोस्तों जैसे ही आप हम मेन्यू बटन में आ जाते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार करना है, तो आपको सिंपली हम सेटअप के ऑप्शन में चले आना है। यहाँ पर आपको ऑटो स्कैन पे सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ऑटो स्कैन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए आपकी सिंपली जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसे कोई भी चेंजेस मत कीजिए, फ्री की जगह यहाँ पर कर दीजिए ऑल, 22K को कर दीजिए ऑन और दोस्तों कोई भी छेड़खानी नहीं करना। जैसे इसी में देख पा रहे हैं खाली आपको फ्री की जगह स्कैन मोड कॉल कर देना है और 22K को ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको ऑटो स्कैन पर सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही ऑटो स्कैन कर देंगे दोस्तों 100% जैसे ही ऑटो स्कैन होगा 100% ये चैनल आपकी डीडी फ्रीडस पर चलने लगेगा। दोस्तों ये ट्रिक सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बताया जा रहा है यूट्यूब की तरफ से। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अगर फिर भी अभी ट्रिक चल रहा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।